काय ते साधले स्वजीवनात जीवन निरर्थक नच काही अर्थ सर्व काही व्यर्थ होईल आपुले समजले परब्रह्म जाणीले विश्वाचे कळाले अंतरंग आता मानव म्हणून या सार्थक करावया सत्य ते धरून या अंतरी आपणची असत्याचा ध्यास व्यर्थ मार्ग खास अंती निराश प्रपंचात वावे आपण आपुले मना फसविले काय ते साधले स्वजीवनात काय ते साधले स्वजीवनात काय ते साधले स्वजीवनात। आज स्वामी जी भारत की देवभूमि उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले में स्थित कोटेश्वर महादेव गुफा के दर्शन करने पहुंचे। हा कोटेश्वर मंदिराचा रस्ता येण्याचा शेवटचा थांबा। इथं या रस्त्याने गाडी मी आणली, इथं गाडी उभी केली, दुसरी गाडी पुजाऱ्याची आहे आणि आता हा खाली रस्ता जायचा आहे। देखता हूँ अभी कैसा कोटेश्वर महादेव लेता है, गिराता है दौड़ाता है क्या कर, उसका हिसाब उसको मालूम। यहां से शॉर्टकट है, पैदल रास्ता है, एक डेढ़ किलोमीटर है मंदिर थोड़ा है। हाँ नमो नारायण। अच्छा हाँ 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 बघून चालायला पाहिजे। उदुंबर कल्पवृक्ष कामधेनु चिंतामणी असं आहे। जयाचे मनासी झाले भक्ती प्रेम, जयाचे मनासी झाले भक्ती प्रेम, त्यासी दत्त नाम गोड वाटे, त्यासी दत्त नाम गोड वाटे। जयाचे मनासी झाले भक्ती प्रेम, त्यासी दत्त नाम गोड वाटे। खेळ हा विधीचा मानवाचा जन्म,
खेळ हा विधीचा मान, खेळ हा विधीचा मानवाचा जन्म, पुण्याईचे मर्म भक्ती मार्ग, पुण्याईचे मर्म भक्ती मार्ग, पुण्याईचे मर्म भक्ती मार्ग, जयाचे मनासी झाले भक्ती प्रेम, त्यासी दत्त नाम गोड वाटे, त्यासी दत्त नाम गोड वाटे, जयाचे मनासी, जयाचे मनासी झाले भक्ती प्रेम, जयाचे मना। चार पाच आठ नऊ दहा बारा तेरा पंधरा ऐंशी पायऱ्या उतरून आलो, ह्या चाळीस आणि त्या वरच्या चाळीस, कोटेश्वर 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 महादेव, कोटेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव, ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण। पक्ष्यांचा आवाज, गायींच्या हंबरण्याचा आवाज आणि माझ्या पायऱ्या उतरताना चुकून आला तर खडावांचा आवाज, बाकी या जंगलात दुसरं किती सुंदर किलबलाट आहे, ध्वनी आहे। हां असं आहे, चढा उतरा चढा उतरा, कोटेश्वर महादेव, जय भोलेनाथ कोटेश्वर। याची गुहा इथं आहे मंदिराच्या मागं असं सांगतात, आणि इथल्या सांगण्याप्रमाणे हिमालयाच्या उत्तराखंडच्या पद्धतीप्रमाणे हे इथंच आहे, जवळ आहे, हे जवळ नसतं, हे जवळजवळ मी 1.5 किलोमीटर खाली आलो आता। कोटेश्वर महादेव मंदिर की कहानी बहुत ही रोचक है। मान्यता है कि 16वीं सदी में काशी के राजा राजा मृत्युंजय को गंभीर कुष्ठ रोग हुआ था। बहुत अधिक उपचार किए परंतु रोग कुछ ठीक नहीं हुआ। एक बार स्वप्न में भगवान शिवजी ने उन्हें कोटेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बताया। जब राजा यहाँ आया तो उसने यहाँ पर स्नान किया और उसका कुष्ठ रोग जल्द ही ठीक हो गया। कोटेश्वर महादेव मंदिर जहाँ स्वामी जी जा रहे हैं, वह गुफा 50 मीटर लंबे क्षेत्र में फैली हुई है और यह मान्यता है कि उस गुफा में आज भी भगवान शिव जी निवास करते हैं। माझा भक्तीचा, माझा भक्तीचा फुलला मळा, माझ्या भक्तीचा फुलला मळा, गुरुदत्ताचा लागला लळा, लागला दत्ताचा लागला लळा, लागला दत्ताचा
लागला नळा। स्वामी जी ने यहाँ पर बह रही जल की धारा में भी स्नान किया, परंतु उसके फोटोज उपलब्ध नहीं है। स्वामी जी अकेले थे, वही उन्होंने बाहर आकर यहाँ के पंडितों के साथ भी एक फोटो खिंचवाया। आगे वे कहा गए इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। स्वामी जी के जितने भी फोटोज व वीडियोस भ्रमण के दौरान हमें उपलब्ध हो जाते हैं, हम उन्हीं का उपयोग कर आपके सामने उनकी भ्रमंती प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। धन्यवाद।